पैरों में जा गिरी क्वीन। क्या कंगना ने मांग ली है माफी? जी हाँ, अब आप भी यही सोच रहे होंगे, आखिर कंगना ने करण के आगे हार मान ली। लेकिन जनाब, पहले पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। दरअसल हाल ही में कंगना रियलिटी टीवी शो इंडियास नेक्स्ट सुपरस्टार्स में गेस्ट जज के रूप में नजर आएंगी। इस मौके पर कंगना और करण ने कभी खुशी कभी गम के एक सीन को रिक्रिएट किया। रोहित शेट्टी चाहते थे कि कुछ हल्के फुल्के माहौल को ऑडियंस एंजॉय करे, तो उन्होंने कंगना और करण को एक सीन करने के लिए कहा। रोहित कहते हैं, मैं इस सीन को डायरेक्ट करूंगा, करण शाहरुख का रोल प्ले करेंगे और कंगना उनकी गर्लफ्रेंड होंगी। बस फिर क्या, सीन शुरू हुआ और करण ने एंट्री मारी। कंगना ने आरती की थाली लेते हुए करण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो अब समझ आया, कंगना ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि ये तो सिर्फ एक एक्टिंग थी। वैसे आपको बता दें, इन दोनों के बीच नेपोटिज्म पर बयानबाजी को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इस शो के दौरान दोनों की दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। वेल, अब इनकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।